ये कुछ बच्चे और आ रहे हैं जो कि कहा जाता है बच्चों को तो ब्याह शादी में भेजा जाता है, किसी पर्यटन स्थल में भेजा जाता है, लेकिन ये आंदोलन चलाओ और किसानों का आंदोलन है, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी भागीदार हो रहे हैं और ये भी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। राम राम बेटा, कौन सी जगह आ रही हो? मैं रोहतक साइड से आ रही हूँ। मेरा नाम काफी है, मैं 6ठी क्लास में पढ़ती हूँ, मैं 11 साल की हूँ। अब एक महीने से यहाँ पे बैठे हैं, क्या हमारी कोई सुन नहीं सकता? हमने ही मोदी को बनाया और हम ही तोड़ेंगे उसको। ये मेरी छोटी बहन है 5 साल की, ये भी यहाँ पे बैठी है। एक महीना हुआ बच्चे इतने इस टाइम पढ़ने का समय होता है और आप यहाँ आंदोलन में आए हुए हो? आना पड़ेगा, हमारे माता पिता हर दिन रात खेत में काम करते रहते हैं, क्या हमें भी कुछ वो नहीं होता? आप देख रहे हो बच्चे बात करते करते भी आंसू निकलने को हो रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों का भी दर्द है, जो माता पिता है, जो उनसे बातें होती है तो पता चलता है, जो किसान यहाँ पे बैठे हैं, धूप भी सह रहे हैं, गर्मी भी सह रहे थे और उसके बाद अब ठंड भी है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो बच्चे रोने लग गए, बहुत भावुक हो रहे हैं बच्चे। कल से बारिश हो रही है, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें क्या ठंड नहीं लगती? आप तो महलों में बैठे हो और ये किसान है, ये यहाँ पे पड़े हैं, क्या इनको ठंड नहीं लगती? ये एक महीने से यहाँ पे पड़े, एक महीने से ऊपर हो चुका है, मोदी कुछ सुनता ही नहीं है।